पटरियों पर मार पीट कर भगाया जाता हुआ, रौंद दिया जाता है, कट कर मर जाता है, उसकी रोटियां उसके लहू से सन कर हिंदुस्तान की हुकूमत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। युद्ध का बिगुल बजा रहा है, इस सरकार की हम घर वापसी करा देंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद आजादी मत समझ लेना। हमारे समय की चाल शासकों ने जिस रास्ते आगे बढ़ाया उस चाल को हिंदुस्तान के लिए, उसकी आवाम के लिए, उसके हित के लिए उस रास्ते को थाम लेंगे हम, इसके संकल्प के लिए हम आज यहां इकट्ठा हूं। दुश्मनों की चालें कैसी कैसी हैं, क्या क्या किया जा रहा है। वैश्विक महामारी का काल आया तो उसके पहले दौर की तस्वीरें क्या थी, रेल की पटरियों पर बंबई से पैदल चलता हुआ मजदूर दरभंगा आने की कोशिश करता हुआ, पटरियों पर मार पीट कर भगाया जाता हुआ और इस उम्मीद में कि पटरी पर तो ट्रेनें नहीं चल रही हैं, जगह मिल जाएगी, कोई पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा, वो वहां रौंद दिया जाता है, कट कर मर जाता है, उसकी रोटियां उसके लहू से सन कर हिंदुस्तान की हुकूमत पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सैकड़ों की संख्या में ये जो हमारे अपने मार दिए गए सड़कों पर, वो कौन थे, उस राष्ट्र के निर्माता, वो जो पटरियों पर कुचल कर मार दिए गए, वे हैं उस राष्ट्र के निर्माता, वे हिंदुस्तान के नौजवान हैं जिसके प्रतिनिधि और नेता आज इस हॉल में इकट्ठा हैं, और वे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के आंदोलन के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है और 10 महीने से ज्यादा दिल्ली की हुकूमत के नाक के नीचे हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खेती हमारी है, हिंदुस्तान की जमीन हमारी है, तुम्हारे यार दोस्तों की मिल्कियत नहीं है, जिनको कोई ऑर्डिनेंस लाकर कोई कानून लाकर तुम कह दोगे कि अब ये खेत आपका नहीं रहा, अब यहां अंबानी जी का, अडानी जी का, अभी तो यही दो प्रमुख दोस्त हैं, वरना तो फेहरिस्त लंबी है, टाटा, मित्तल, जिंदल, किर्लोस्कर आदि इत्यादि, इन लोगों के हवाले ये जमीन हम नहीं देंगे। शुरू हुआ ये आंदोलन सिर्फ इस 3 कृषि कानून के सवाल पर कि इसको निरस्त किया है, और यह आंदोलन सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, महिला, किसान शहीदों के रंग से रंगा हुआ आंदोलन हिंदुस्तान के दिल्ली की हुकूमत के तख्त के पास लहरा रहा है और ललकार रहा है कि हिंदुस्तान उस नक्शे पर आगे बढ़ेगा, उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा जिसको किसान बनाते हैं, जिसको नौजवान बनाते हैं, जिसको मजदूर बनाते हैं। तो ये जो भी आंदोलन चल रहा है वो किसानों का और मेहनतकश मजदूरों का संयुक्त आंदोलन आगे दगदगाता हुआ बढ़ रहा है। अब ये सवाल हमारे सामने है कि आंदोलन का और राजनीति का क्या रिश्ता है। आंदोलन किसी पार्टी संगठन या किसी संगठन के बैनर का अक्सर कई बार उसका मोहताज नहीं होता। विभिन्न तबके अपने सवालों पर संगठित होते हैं, उनका विक्षोभ व्यक्त होता है और वो सामने जो दुश्मन होता है उससे सवाल करते हैं, अपने मुद्दों पर अपने सवाल उठाते हैं, ये होता है आंदोलन। और ये आंदोलन अगर ये बात सीख लेता है अपने
विकास क्रम में कि हमारे आंदोलन के सवाल जिस हिस्से से ये सवाल किया जा रहा है उसके लिए दिक्कत तलब है, तो ये आंदोलन राजनीतिक दिशा लेता ही है और इसका लेना ही इसकी नेचुरल अवस्था है। और तब वो हुकूमतों को राजनीतिक स्लोगन से घेरता है और तब वो साफ साफ कहता है जो दिल्ली का किसान आंदोलन ये उद्घोष कर रहा है, युद्ध का बिगुल बजा रहा है और वो ये कह रहा है कि वापसी दिल्ली की सीमाओं से तब होगी जब इस सरकार की हम घर वापसी करा देंगे। आंदोलन से हम जुड़े हैं, विराट छात्र युवा आंदोलनों का इतिहास हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास रहा है और हमारी दिशा के एक बहुत बड़े विराट प्रकाश स्तंभ शहीद आजम हैं जिनकी 114वीं जन्मवार्षिकी अभी अभी बीती है कुछ दिन पहले।